देख सकते हैं यहाँ का व्यू आप। इसको क्या बोलते, धूलिया, धूलिया जी। यहाँ पर महाराणा प्रताप का जीवन कुछ समय के लिए कटा था यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा फुल। ये बारिश के टाइम से शायद जन्नत ही लगता होगा, इससे कम नहीं लगता होगा। देखो कितना जबरदस्त व्यू है यहाँ से। यहाँ से माना जाता है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा उच्चतम पर्वत है, और इसके जिस सबसे बड़ा कौन सा बताया था आपने? ये सम वो सेम ही दूसरा है, वो दूसरा खमण वाला कौन? खमण खमण। खमान, जो खमान है वो सबसे ऊंचा है, और ये वाला धूलिया जी है वो उसके बाद का स्थान है। आप देख सकते हैं मैं पीछे दोनों वाला। लगभग सेम ही है, लगभग अब सेम हाँ, लगभग सेम का ये अनुमान है, लेकिन जो आप जो नीचे का समतल एरिया बता रहे हैं, ये कि मेन महाराणा प्रताप का जो कि यहाँ पर कुछ उनका सामान वगैरह या कुछ ऐसा चीज़ भारी भरकम सामान के लिए रखने के लिए स्थान होगा शायद जी, ये सामान कैंप कैंप वैम्प लगा हुआ है। वैम्प या कुछ उनकी सेना के लिए कोई व्यवस्था की हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ से आप माल दूरी का पहाड़ बोलते हैं इसको। माल का पहाड़ बोलते हैं। देखो ये तुम्हारा ऊंची, हमें यहाँ तक जाना है, यहाँ से अभी थोड़ा और ऊंचे तो उस जगह पर जाना है ना, जो मंदिर से वो अभी यहाँ पर वो झंडा है वहाँ तक जाना है। लेकिन अब देखो यहाँ से कितना ऊंची, हम बता नहीं सकते हम आपको कितना नीचे है यहाँ से। चल चलो सर दें सर। अच्छा 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 पूरा अच्छा टायर स्लिप मारता है। ओके आराम से आराम। ये दो पेड़ हैं यहाँ पर है ना। हाँ तो देखिए ये जो जो आप बता रहे थे ये क्या है, ये हिस्सा है और ये हिस्सा एक ही थे, तो इसकी क्या मान्यता, आप मुझे कुछ बताओगे इसके बारे में?
इधर आ जाओ सामने, मुझे बताओ कि अकबर का, अकबर बादशाह का हाथी था जो वो आया है यहाँ पे, क्या उसने कुछ यहाँ पे इस चट्टान को गिराने की कोशिश की जो वो, उसने पत्थर तो यहाँ नीचे, वो बताया उन्होंने पत्थर तो नीचे गया, वो हाथी और मावत यही ढेर हो गए थे यहीं पे, तो ये पहाड़ यूं हो गया था यूं। तो मुझे नहीं लगता इस स्टोरी के बारे में ज़्यादातर कुछ बताया गया हो किताबों में इसके बारे में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ रही है जो कि काफ़ी, क्योंकि इतनी सारी जो हिस्ट्री थी वो किताबों में नहीं बताई जा सकती, मैंने मन अंश थे वही बताए गए किताबों में, लेकिन जैसे ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है तो बड़ा मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है, बहुत ही एक अवर्णनीय, इसके बारे में क्या बताऊँ। लेकिन एक ऐसी ऊंची स्थान पे देख सकते हैं यहाँ का, बहुत ही बड़ी ऊंची पहाड़ी पर आता ना जी, तो महाराणा प्रताप का ऐसे जगह पे समय व्यतीत हुआ है जो कि एक ऐसे मतलब मेवाड़ के राजा, बहुत बड़े युगराज, और जिस जगह पर उन्हें वहाँ पर रहना पड़ता है कुछ परिस्थिति के कारण, मात्र परिस्थिति क्या थी कि मात्र अपना जो देश प्रेम कह सकते हैं या अपनी अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार, जो नहीं चाहते थे कि किसी गुलाम के वहाँ में रहे, अधीनता स्वीकार करे किसी, उनका एक स्वतंत्र प्रेम था। और यहाँ पर बहुत ही कम मतलब टूरिस्ट उसके महाराणा प्रताप को जो रियली अच्छी तरह से जानना चाहता है वही यहाँ पर आएगा, जिससे कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ पर आया हूँ, पूरी चीज़ स्टोरी कवर कर रहा हूँ, मायरा की गुफा हो गई, ये बहुत ही कम रेयर लोग होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टचेबिलिटी रखते हैं इन चीज़ों से, वही लोग जाते हैं, बाकी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पेड़ है, ये भी बाकी का मैं आगे का सीन दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी मतलब कितना उच्च स्थान है, एकदम शांत प्रिय है, कुछ नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है दुनिया भर का। आप यहाँ पर कभी समय मिले, आप चाहते हैं एकांत में ध्यान एकाग्रत करने के लिए, तो सबसे बढ़िया स्थान रहेगा आपका यहाँ, इससे बढ़िया स्थान रह ही नहीं सकता। ये सारा आपका गोविंदा की पहाड़ियाँ हैं सारी, जैसे कि मैंने स्थान बताया, तो पूरी अरावली रेंज है। इस दुनिया से अछूती है, उसके बारे में अगर लोग जानना तो बहुत दूर, यहाँ पर आना चालू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतने इंस्पायर होंगे और बार बार आना चाहेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर सुना गया है कि यहाँ पर कुछ ऐसे से लोग घूमने आए थे बहुत काफ़ी पैसे वाले, फिर यहीं पर वो रहना चालू कर दिए, यहीं पर रहने लग गए, तो बता बाहर जाते नहीं। तो यहाँ पर सब कुछ ऐसी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहाड़ी हैं तो यहाँ पानी की समस्या होगी, यहाँ खेती बात बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पर आप बीज बो देते वहाँ अन्य उपज आता है, आप ये सारे वरदान लगा हुआ है, एक महापुरुष की भूमि है और हर प्रकार की खेती। और आप जानकर एक आश्चर्य होगा कि यहाँ पर मैंने सुना था कि इधर रनकपुर साइड से अरावली पर्वत में आता है सारा, वहाँ पर कश्मीर में वो सेब नहीं होते, वहाँ पर वो सेब मिलते हैं, तो सेब का वहाँ पर बगीचा खास सैफरन बताओ, जो कि गूगल सैफरन जो मतलब केसर की खेती बोली जाती है, और कहाँ पर वो कश्मीर की बात करते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने पूरा चीज़ कवर कर लिया, लेकिन यहाँ से ऊपर का मैं बताता हूँ, तो ये यहाँ से तो बहुत तो नीचे ही है, यहाँ से तो नहीं आगे नहीं है, इधर तो खुशबू भी अच्छी आ रही है, नहीं आगे नहीं जा रहा मतलब, तो यहाँ पे है रास्ते,
आजा आजा नहीं यार से तो ये तो इनक्रेडिबल है इनक्रेडिबल ये पूरा आपका पीपली के पेड़ है ना पीपल किसके पेड़ बोलते हैं पापा ही जैसे पेड़ ये चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी हैं जाएंगे तो घर वालों को यहाँ लेके आएंगे तो खुश हो जाएंगे यहाँ पर ना बढ़िया सी प्रभु का नाम लेके एक बढ़िया सी कथा होगी यहाँ पर है ना। 3-4 दिन नहीं रहने का है, 3-4 दिन सुख शांति का वातावरण फैलेगा तो मन को शांति मिलेगी। मैं बता दूंगा आपको सब चीज़, सब चीज़ बता दूंगा कैसे क्या करना है। Thank you.
ये पूरा स्थान। चले तो हैं, हाँ निकलते, हो गया। तो और हरियाली है, ये हाईवे वाला है क्या है? ये इधर ओगना ओगना का रास्ता है, गांव आता है एक आगे। अच्छा, धुंध सी ना, थोड़ा सा क्लियर मौसम। तो यहाँ मेला फेला सा लगता है कोई यहाँ पर किसी? नवरात्र में यहाँ कोई खता वगैरह इसी प्रकार का होता होगा यहाँ पर, ऊपर कुछ होता होगा प्रोग्राम तो यहाँ पर ऐसा खता भजन मंडली कुछ ऐसा लोग आते होंगे यहाँ पर। खमार बोला ना, वो देखो वो रहा खमार, मुझे ना लगभग दोनों सेम हाइट में ही है, लगभग दोनों। तो यहाँ कुछ ऐसा वो होना नहीं है यार, उनको ये सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है जो मेरे पीछे जो सड़क है वो ये वाली, इससे ही तो आए लेकिन हाँ ये जा रही है ना आगे की तरफ। अब देख सकते हैं कितना आ गया। ये सड़क कहाँ जा रही है जे? ये इधर से आए थे हम, इधर से जाएंगे ना हम। तुम गाड़ी ले आओ। हाँ, वो तो काफी ऐसा तो मस्त है यहाँ पर सही खता करने का। और यहाँ पर वो साधु संतो ला के यहाँ पर की जा है, इससे बड़े उच्चतम स्थान यहाँ नहीं, इससे यहाँ से बढ़िया हो ही नहीं सकता है। आपके उधर भी है सर? हाँ, हमारे यहाँ एक
पहाड़ी है हमारी जगह पे। आप वही रहते हो पहाड़ी में? पहाड़ी अब नहीं रहते हूँ, पहले रहते थे हमारे गांव में ही हो, लेकिन मैं जाता हूँ वहाँ पर। तालाब है तो वहाँ पर तालाब भी है। इधर से चलो। हाँ सबसे Thank you.